पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये है, ऐसा नहीं है। तो ये जो धारणाएं हैं लोगों ने बातें फैला दी संतों के लिए, सनातन को उल्टा सीधा घुमाने फिराने के लिए, यहां पर बहुत सारी ऐसे बातें हो जाती हैं। बोले भी तो किसको बोले, क्योंकि बातें फैल गई हुई है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए महात्मा साधु संत या शास्त्र या सनातन को बहुत बुरी तरह से छेड़छाड़ कर दी गई है। आज उसको दोबारा वापिस इतने गड्ढे खोद दिए गए हैं कि गड्ढे भरने मुश्किल हो रहे हैं। तो असलियत में सत्य बोलने का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आदमी मानता नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। पहले गड्ढे भरने पड़ेंगे, वो गड्ढे भरने में ही उम्र बीत जा रही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए खाना खाना, इतने इतने खाने खाने, इतनी वस्तुएं खानी, और फिर हजारों रुपया किलो के वस्तुएं खानी, और उसके बाद बैठ करके भजन करना, भगवान मिल जाएंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तपस्याएं करनी पड़ती हैं, साधना करनी पड़ती हैं, और त्याग करना पड़ेगा। खूब माल खा रहे हैं और भगवत प्राप्ति करेंगे हम, तब हो गई भगवत प्राप्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन होगा कैसे जब इतना सब खाएंगे। तो अभी तो बहुत सारे लोग ऐसी चर्चा करते हैं, नहीं जी मन साफ होना चाहिए, कैसे हो जाएगा जब हमारा अन्न ही नहीं शुद्ध है, हमारा पानी ही नहीं शुद्ध है, हमारी वाणी भी वैसी की वैसी बनती जा रही है, तो मन कैसे हमारा जो है बदलाव आएगा उसमें। भाई जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसे पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो वाणी कहां से बनेगी जब पानी ही शुद्ध नहीं है। बोतलों के पानी हम लोग सारे पीते हैं, मिनरल उसमें है ही नहीं है। लोग बोलते हैं मिनरल कहां है उसमें, वो तो उबालने के बाद मिनरल कहां है, वो तो सब खत्म हो गए। उसके अंदर का तत्व, जड़ी बूटियों का अंदर जो स्पर्श है, वो तो सारा जो नेचुरल है वो उसी में होता है। तो आज जो है इस प्रकार से जो निर्मल मन है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, है नहीं है, निर्मल मन नहीं मिल सकता, बहुत कम है। कोई ऐसा महापुरुष बिरला होगा, करोड़ों में कहते हैं करोड़ों चलते हैं और एक पहुंचता है, इसका मतलब करोड़ों निकले और एक पहुंचा। तो अब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कहां से आएगा वो। तो इसीलिए एक दो बातें और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं, शायद धीरे धीरे अगर हम लोग उस पे चलें, अगर हम उस पे चलें कि तुलसी यह जग आई के, तुलसी यह जग आई के, कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। अगर हो सके किसी गरीब दीन दुखी गरीब गुरबा को भोजन करवा दीजिए, और जितना ज्यादा से हो सके कोशिश करें हाथ जोड़ करके प्यार से वो मुस्कुरा करके उसके साथ मिल लें, गले लग जाएं। और देना है तो टुकड़ा और लेना है तो हरिनाम। और ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने साथ में ही एक और शब्द बोल दिया कि तुलसी यह जग आई के, सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं, सबसे गले मिलो प्यार से मिलो, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। ये हम लोग इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। बाकी तो निर्मल मन तो बहुत कठिन है, कोई एक करेगा, बाकी सबके बस का होता नहीं। चलें सब कर्तव्य का पालन करें, अपने अपने कर्मों का पालन करें, जो भी कर्म हमारे सामने आते हैं वो उसको सोच समझ करके करें, ध्यान रखें गलतियां ना हो जाए। बाकी ये बात याद रखें कि मस्त राम मस्ती में चिराग जले बस्ती में, ये होना चाहिए, ये है शब्द, ये है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ये नहीं है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसका ध्यान रखें। बोल बद्री विशाल भगवान की, राधा रानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय।